हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत प्रधान। दोस्तों, एफटीआर सीरीज में अब हम प्रारंभ करने वाले हैं एनवायरनमेंट सब्जेक्ट को। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, सिविल सर्विस एग्जाम, खासकर ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाले एग्जाम में एनवायरनमेंट एक विशेष स्थान रखता है। ऐसे में महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह को हम सॉल्व करेंगे एवं उससे रिलेटेड कंसेप्ट को भी हम समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है इकोलॉजी, फूड चेन, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, यानी कि पारिस्थितिकी, खाद्य श्रृंखला, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यूनाइटेड नेशन विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? ऑप्शन से वायु प्रदूषण, जैव विविधता, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु। वास्तव में देखा जाए ये करंट का भी क्वेश्चन है। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट आया था विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का, ये आया था 1972 के स्टॉकहोम समिट से। स्टॉकहोम सम्मेलन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया गया प्रथम प्रयास था। तो 1972 में ये स्टॉकहोम समिट में ये घोषणा की गई। और देखा जाए तो 5 जून को ही यह सम्मेलन हुआ था। और इसके बाद वर्ष 1974 से प्रथम बार हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाना प्रारंभ किया। और 1974 से प्रारंभ हुआ वह श्रृंखला आज पहुंचते पहुंचते 2020 आ चुका है। प्रतिवर्ष इसका थीम डिसाइड किया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम था वो क्या था? जैव विविधता, यानी बायोडायवर्सिटी। इंग्लिश में अगर आपको लिखा जाए तो इसका जो थीम था सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी है, ठीक है। तो ये जो बायोडायवर्सिटी 2020 का जो थीम था, इसे थोड़ा सा और समझ लीजिए। वर्ष 2020 पूरा क्या था? कोविड ईयर था, आपको सभी को पता होगा। यानी कि हम देख रहे हैं पूरा साल जो है महामारी में बीत गया। इसके कारण जो है कुछ चीजों को फायदा भी हुआ है, खासकर जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंट। तो पर्यावरण को बहुत फायदा हुआ क्योंकि औद्योगिक गतिविधियां रुक गई थी, सभी वाहन और सभी चीजें पूरी तरह से वैश्विक स्तर पर ठप हो गया था। इसका फायदा एनवायरनमेंट को मिला, इसलिए वर्ष 2020 को हमने इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ईयर भी हमने घोषित किया हुआ है, यानी पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन वर्ष। तो यहाँ पे ये एडिशनल कंसेप्ट, एडिशनल नॉलेज मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे 2020 को हमने क्या किया है, इसे घोषित किया है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ईयर। और 5 जून 2020 में जो इस विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था, उसका थीम था जैव विविधता। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, सही सुमेलित हैं, कौन सा सही मैच्ड है? देखिए, पारिस्थितिकी के जनक रिटर, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? एजी टेंसले। इकोसिस्टम दिया था अर्नेस्ट हेकल ने। और भारतीय पारिस्थितिकी जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन सा सही मैच्ड है? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिना जाएगा और ये चार महत्वपूर्ण फैक्ट को समाहित किया हुआ है। तो देखिए, पारिस्थितिकी के जनक कौन है, ये रीटर को ही माना जाता है हमारी किताबों में, खासकर गवर्नमेंट एग्जाम में या गवर्नमेंट किताबों में ये रीटर को ही माना जाता है। लेकिन कई बार कुछ किताबों में पी ओडम भी अगर लिखा रहे तो आप बिल्कुल मत घबराइए। पी ओडम जो है कौन है? आधुनिक पारिस्थितिकी के पिता है, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। अगर चार ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में रीटर को नहीं दिया है, ओडम को दिया है, तो आप ओडम को टिक कर सकते हैं, अदरवाइज रीटर को माना जाता है, याद रखिएगा। तो ये फर्स्ट ही इसका सही आंसर है। अब बाकी का भी करेक्ट जो है इसमें देख लेते हैं, सुमेलित कर लेते हैं। पारिस्थितिकी शब्द यानी इकोलॉजी शब्द सबसे पहले कौन दिया था? अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। तो यहां भी इसे मैच कर ले, अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द दिया था किसने? दिया था एजी टेंसले को। एजी टेंसले ने सबसे पहले क्या दिया था? इकोसिस्टम शब्द दिया था। और इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल ने। इसके बाद देखते हैं भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। नहीं है सही मैच। कौन है भारतीय पारिस्थितिकी के पिता? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा क्या है? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, या इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, या कहना चाहिए इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि भारतीय जनक हरित क्रांति के, यानी कि हरित क्रांति के भारतीय जनक, ठीक है। वैसे भी अगर आपको पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो किसको आंसर करेंगे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर आपको पूछा जाए
जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को आप टिक करेंगे, ये इसका सही आंसर है। ये दोनों ने, मैक्सिकन साइंटिस्ट थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, दोनों ने मिलकर गेहूं की एक संकर किस्म की वैरायटी उन्होंने जनरेट की थी, जिसके बाद देखे हमने कि उत्तर भारत में गेहूं का उत्पादन बहुत बड़े लेवल पर बढ़ गया था, जिसमें कि उन्होंने हाई यील्डिंग वाले यानी कि ज्यादा उत्पादन वाले बीजों को उन्होंने चुना था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, इसका सही आंसर क्या है, ए पारिस्थितिकी की जनक किन्हें कहते हैं, रीटर को कहते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड है, पूछा है इसमें फिर से। प्रवाल भित्ति क्या है, समुद्री वर्षावन इसे कहते हैं, कोरल रीफ भी इसे कहते हैं प्रवाल भित्ति को। दूसरा है मैंग्रोव जरायुता है ना, जरायुता यानी वीवी पैरी। आर्द्र भूमि, जैविक सुपर बाजार या उपरोक्त सभी, क्या सभी मैच्ड है, चेक करिए प्लीज। प्रवाल भित्ति को कोरल रीफ कहते हैं और कोरल रीफ फेमस होता है जैव विविधता के लिए, जिस जगह में भी कोरल रीफ है तो वो एरिया क्या कहलाएगा, जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध एरिया कहलाता है। तो समुद्री वर्ड को थोड़े समय के लिए आप भूल जाइए और वर्षा वन पे फोकस करिए। वर्षा वन जहां पे भी पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट, उस क्षेत्र में जो वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियां होती हैं बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा भरपूर मात्रा में पानी मिलता है, इसके कारण जितने भी प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। तो वर्षा वन क्या होगा, सघन होगा, ऑब्वियसली सघन होगा क्योंकि ज्यादा पानी है। तो ज्यादा सघन वन है मतलब क्या है, वहां पे सघन वन जो है, वन क्या कहलाता है, वन मतलब क्या है, पौधा है यानी पेड़ है। अब पेड़ क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, और उत्पादक से निकलने हुई श्रृंखलाएं क्या होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, और ज्यादा उत्पादक है मतलब ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं निकलेगी, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा खाद्य श्रृंखला मतलब ज्यादा जैव विविधता, ठीक है, सिंपल सा है। वर्षा वन में ज्यादा बड़े बड़े वनस्पतियां पाई जाती हैं, ज्यादा वनस्पतियां मतलब ज्यादा उत्पादक मतलब उससे निकलने वाली खाद्य श्रृंखलाएं ज्यादा निकलेगी, और जहां पे ज्यादा खाद्य श्रृंखला निकलेगा वहां पे जैव विविधता ज्यादा रहेगा। तो उसको जैव विविधता से रिलेट करो समुद्री से। तो समुद्र में क्या होता है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति भी क्या होता है, ज्यादा जैव विविधता क्षेत्र कहलाता है, और क्योंकि कोरल रीफ समुद्र में मिलता है इसलिए इसे इट इज ऑल्सो नोन एज अ मैराइन रेन फॉरेस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज मैराइन रेन फॉरेस्ट यानी कि समुद्री वर्षा वन, इसलिए इसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दूसरा, मैंग्रोव। मैंग्रोव क्या है, जरायुता का गुण होता है, जरायुता यानी कि वीवी पैरी। वीवी पैरी क्या होता है, वीवी पैरी कुछ नहीं होता, एक महत्वपूर्ण गुण है जो मैंग्रोव प्रजातियों में पाया जाता है। मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, जितने भी मार्शी दलदली लैंड में पाए जाते हैं, समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे सुंदरबन वगैरह, जहाँ पे सुंदरी वृक्ष मिलता है जो बहुत फेमस है, कहना चाहिए वहां पे मैंग्रोव के रूप में। तो जरायुता एक महत्वपूर्ण गुण है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है मैंग्रोव का। तो जरायुता क्या होता है समझिए, जरायुता या वीवीपेरी का मतलब ये होता है कि सामान्यतः कोई पेड़ में फल लगता है तो फल जब पेड़ से अलग हो जाता है तो अलग होने के बाद फल के अंदर जो बीज होगा उसके अंदर वो भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट कब हो रहा है, पेड़ से अलग होने के बाद जमीन में पड़े रहेगा वो फल, पानी के कॉन्टेक्ट में आएगा, है ना, या नमी के कॉन्टेक्ट में आएगा, धीरे धीरे उसमें क्या भ्रूण जो है डेवलप करता है, एक सामान्य प्रक्रिया है। अब यहाँ पे वीवी पैरी या जरायुता का जो गुण होता है वो ये है कि जो मैंग्रोव प्रजातियां होती हैं, मैंग्रोव प्रजातियों में जो फल लगे होते हैं वो फल पेड़ से अलग होने से पहले ही, यानी कि पेड़ में जो फल लगा ही हुआ अभी तक, और उसी के अंदर वो भ्रूण का डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है। तो है ना एक विशेष गुण, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि पेड़ में फल लगे हैं और फल लगे होने के बावजूद वहां पे फिर से क्या है, वहां पे भ्रूण का या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना प्रारंभ हो जाता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं, जरायुता कहते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं, इसका मतलब ये भी मैच था, ये भी मैच है, ठीक है, तो दो मैच है क्या, मतलब आंसर तो डी होना चाहिए। अब देखते हैं सी ऑप्शन को, देखिए सी ऑप्शन क्या है, जैविक सुपर बाजार। तो देखिए ए भी मैच है, बी भी मैच है, मतलब क्या है, सी भी मैच होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन तो डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ सी ऑप्शन के सामने देखिए जैविक सुपर बाजार। सुपर बाजार का कंसेप्ट क्या होता है कि ऐसा स्थान जहां पे बहुत प्रकार की वैरायटी आपको मिलती है,
बहुत प्रकार के सामान मिलता है कि नहीं जब आप सुपर बाजार जाते हैं तो यहाँ जैविक सुपर बाजार का मतलब एक ऐसा स्थान जिसे हम क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि, नम भूमि या वेटलैंड कहते हैं, जहां पे हम क्या देखते हैं कि आधा क्या होता है जल होता है और आधा क्या होता है थल होता है, यानी थोड़ा वाटर वाला पार्ट और थोड़ा क्या है लैंड वाला पार्ट, दोनों मिल के क्या है मतलब आधा पानी और आधा भूमि वाला पार्ट जिसमें देखते हैं वो आर्द्र भूमि कहलाता है। तो आर्द्र भूमि में क्या होता है कि जैसे कि जल में किसी विशेष प्रकार की वनस्पतियां मिल सकती हैं या डिफरेंट टाइप के ऐसे कहना चाहिए एनिमल मिल सकता है, थल में भी उसी प्रकार के देखते हैं कुछ प्रकार के एनिमल और कुछ प्रकार की वनस्पतियां मिल सकती है, लेकिन आर्द्र भूमि क्या होता है ये दोनों का मिश्रण होता है। तो मिश्रण वाले क्षेत्र में क्या होता है ज्यादा प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो। तो ये बात समझ गए, तो इसलिए यहाँ पे जो वैरायटी है बहुत ज्यादा मिलती है, यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा मिलती है, यानी कि ये भी क्षेत्र क्या हो गया जैव विविधता की दृष्टि से बहुत समृद्ध हो गया और बहुत प्रकार की वैरायटी वहां पे मिल गई, इसलिए इसे जैविक सुपर बाजार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है, पहला है कीस्टोन प्रजाति, दूसरा है फाउंडेशन प्रजाति, तीसरा है अम्ब्रेला प्रजाति और चौथा क्या है संकेतक या इंडिकेटर प्रजाति। देखिए यहाँ पे इसके शब्दावली पे जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण 4 शब्द है और इससे रिलेटेड प्रश्न यूपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं इन 4 शब्दों से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे देखिए कीस्टोन प्रजाति का मतलब ये होता है, सबके उदाहरण पहले लिख दीजिए तो उसके बाद आपको इसको समझना आसान होगा। तो कीस्टोन प्रजाति का उदाहरण मैं लिख देता हूं मधुमक्खी, कीस्टोन प्रजाति का उदाहरण मैं लिख लेता हूं मधुमक्खी। फाउंडेशन प्रजाति का उदाहरण मैं लिख लेता हूं कोरल रीफ या प्रवाल भित्ती, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ती। अम्ब्रेला प्रजाति का मैं लिख लेता हूं बाघ या टाइगर, ठीक है बाघ या टाइगर। और संकेतक प्रजाति का मैं लिख लेता हूं लाइकेन, लाइकेन या फिर कोई ऐसी मछली का भी नाम लिख सकते हैं, है ना। तो ये 2 प्रकार की यहां पे संकेतक प्रजाति में लिखा हूं। तो देखिए यहां पे इसका कंसेप्ट क्या है, की स्टोन मतलब ऐसी प्रजाति जो अपनी अल्प मात्रा के बावजूद, ऐसी प्रजाति जो अपनी अल्प मात्रा के बावजूद उस पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान निभाती है, जैसे कि किसी विशेष क्षेत्र में बहुत प्रकार की वनस्पतियां मिल रही हैं, अब उस क्षेत्र में यदि मधुमक्खी ना हो तो वहां पे उनका परागण रुक जाएगा, पॉलिनेशन रुक जाएगा। तो एक पेड़ की तुलना में या बहुत सारे वनस्पतियों की तुलना में एक छोटा मधुमक्खी तो एक छोटा सा ही पार्ट है ना जैवभार की दृष्टि से, यानी कि अपनी अल्प मात्रा में मौजूदगी के बावजूद वहां पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसलिए ऐसी प्रजातियों को हम क्या कहते हैं की स्टोन प्रजातियां कहते हैं। तो की स्टोन प्रजाति क्या हो गया मधुमक्खी, ठीक है। दूसरा फाउंडेशन प्रजाति, फाउंडेशन प्रजाति का मतलब ये होता है ऐसी प्रजातियां जो उनकी उपस्थिति के कारण उस स्थान की विविधता को बढ़ा देते हैं या विशेष भूमिका निभाते हैं उस क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे कि कोरल रीफ। कोरल रीफ में क्या होता है, एक क्या होता है एक आश्रय मिल जाता है, प्राकृतिक आवास मिल जाता है किसको, सभी प्रकार के ऐसे प्रजातियों को, चाहे जंतु का हो चाहे वनस्पति का हो। तो उसके आसपास कोरल रीफ में देखते हैं जैव विविधता बहुत ज्यादा मिलती है। तो फाउंडेशन मतलब समझ रहे हैं उसका आधार बना रहे, जो दूसरे प्रकार की वहां पे स्पीसीज आके वहां पे अपना प्राकृतिक आवास वहां पे उसे बना रहे, मतलब उन क्षेत्र की विविधता को बढ़ाने का कार्य कर रहा है कौन, कोरल रीफ, ठीक है। अब अम्ब्रेला स्पीसीज का मतलब समझिए, अम्ब्रेला प्रजाति, अम्ब्रेला मतलब छाता। तो अम्ब्रेला क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है कि नहीं, आपको सुरक्षा देता है कि नहीं पानी से या धूप से। तो अम्ब्रेला प्रजाति का उदाहरण क्या है, बाघ है। जैसे कि हम देखते हैं बाघों के संरक्षण के लिए क्या चलाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइगर चलाए जा रहे हैं। और क्या देखते हैं कि जिस क्षेत्र में बाघ है तो वहां पे हम क्या है टाइगर रिजर्व बना देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बाघों के संरक्षण के कारण उस क्षेत्र की वनस्पतियों का भी संरक्षण मिल जाता है और उस क्षेत्र की दूसरी प्रजातियों को भी संरक्षण मिल जाता है। क्यों, क्योंकि हम उस एरिया को पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं,
है ना, तो ये तो क्या है, ह्यूमन बींग के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, उसको हम नेचुरल तरीके से कैसे ले सकते हैं कि जिस क्षेत्र में भी बाघ का प्रेजेंस होगा वहां पे दूसरे प्रकार की प्रजातियां जाने से डरती हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग की बात करें चाहे दूसरे स्पीसीज की बात करें, क्योंकि बाघ उनका शिकार करेगा, ठीक है। तो उसके कारण उस क्षेत्र की क्या है, वेजिटेशन को भी संरक्षण मिल जाता है क्योंकि उसको खाने वाले प्रजातियां आसपास नहीं भटकती। दूसरा, उस क्षेत्र में दूसरे एनिमल नहीं जाते बाघ के डर से। तो ये क्या है, अम्ब्रेला, मतलब इसके कारण बाकी प्रजातियों को संरक्षण मिल रहा है, उनको क्या है, सुरक्षा मिल रही है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। संकेतक प्रजाति क्या है, इंडिकेटर स्पीसीज, जैसे कि लाइकेन। लाइकेन क्या है, ये क्या है, सैवाल और कवक का सिम्बायोटिक सहोपकारिता का उदाहरण है, जिसमें क्या देखते हैं कि जिस क्षेत्र में भी आप देखते हैं लाइकेन का प्रेजेंस है। अक्सर इसमें प्रश्न जो पूछे गए हैं एग्जाम में, मैं उसी भाषा में कहना चाहूंगा कि अक्सर शहरी क्षेत्रों में लाइकेन्स का प्रेजेंस या लाइकेन की उपस्थिति किस बात को प्रदर्शित करती है। तो जिस क्षेत्र में भी लाइकेन का प्रेजेंस है उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम होगा। तो शहरी क्षेत्रों में इसलिए लाइकेन नहीं मिलता। लाइकेन सामान्यतः मिलने वाला एक, कहना चाहिए, एक सहोपकारिता वाला पौधा है, जिसमें कि एल्गी और फंजाई दोनों होते हैं, कवक और सैवाल दोनों होते हैं। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि जिस क्षेत्र में भी लाइकेन मिल रहा है उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण नहीं है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो वो क्या है, एक संकेतक है, एक इंडिकेटर है, समझ रहे हैं। और जिस क्षेत्र में लाइकेन नहीं मिल रहा है, जो सामान्यतः मिलना चाहिए क्योंकि सामान्य है, तो उस क्षेत्र में हम देखें कि वायु प्रदूषण का स्तर इस क्षेत्र में है, ऐसा आप मान सकते हैं। एक इंडिकेटर के तौर पर यूज किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल मछली को भी ले लीजिए। तो मछली, प्रदूषित पानी में मछलियां नहीं मिलती, तो थोड़ा सा क्या है, साफ पानी में ही ये आम फिश मिलती है, याद रखिएगा। तो यहां पे ये भी क्या है, एक प्रकार की संकेतक प्रजाति है। आई होप ये चारों शब्दावली को आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसका आंसर क्या है, कौन सी प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होगी। तो तुरंत प्रभावित कौन होती, जो आधार वाला होता है, फाउंडेशन प्रजाति, क्योंकि वो बाकी के लिए आधार बनाता है। तो सबसे पहले क्या है, प्रभावित होती है फाउंडेशन स्पीसीज, है ना। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहां पे इसका आंसर क्या है, बी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग के बारे में गलत कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है कोरल जो है ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन। देखिए इसके बारे में क्या कहता है, प्रवाल का रंग रंगीन हो जाता है, प्रवाल का रंग सफेद हो जाता है, सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि से होता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, कोरल रीफ जिसे हम क्या कहते हैं, हम देखे अभी कि वो जैव विविधता के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एरिया होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये दो प्रकार की चीजों से मिलकर बना होता है। पहला एक क्या है, कोरल होता है, ठीक है, एक एनिमल स्पीसीज है। दूसरा उसमें क्या देखते हैं, जू जैंथिली नाम का एक सैवाल होता है। जू जैंथिली लिख रहा है लेकिन जू वर्ड है, यहाँ पे एक सैवाल के लिए प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक जीव है और दूसरा एक यहाँ पे सैवाल है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्लांट है तो सैवाल है, तो इसमें क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, क्योंकि सभी प्लांट क्या करते हैं, क्लोरोफिल से भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो यहाँ पे होता क्या है, दोनों आपस में सिम्बायोटिक, यानी कि यहाँ पे भी ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो कैसा, देखिए कोरल के पे क्या होता है, जू जैंथिली दोनों एक साथ यहाँ पे गुथे हुए रहेंगे, जिसमें कि ये क्या है, आप देखते क्या है, एक कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है, कौन सा, कोरल। और जू जैंथिली सैवाल क्या करता है, भोजन बनाता है सनलाइट की मदद से। अब होता क्या है, कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, प्रवाल विरंजन, तो रंग का अलग होना। सामान्यतः जब भी आप कोरल रीफ को देखेंगे वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही कलरफुल आपको दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोरल और जू जैंथिली आपस में मिलके वहां पे कोरल रीफ का निर्माण करते हैं, और ये जो निर्माण होता है कलरफुल होता है, जिसमें कि जब सनलाइट पड़ती है क्लोरोफिल पे तो यहाँ पे भोजन बनता है, और उसके कारण क्या है, कोरल को भी भोजन मिल जाता है, और ये अपना जू जैंथिली जो सैवाल है इसमें क्या करने लगता है, वो अपना आवास बनाने लगता है, ठीक है। अब देखिए कलरफुल स्थिति में होता क्या है कि जब देखते हैं कि वहां पे एक सामान्य परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थिति है, उस स्थिति में वो कलरफुल दिखेगा। लेकिन जब विरंजन मतलब कलर हट जाना, तो प्रवाल का रंग रंगीन हो जाता है, ये तो गलत है, ये सामान्य परिस्थिति में है। प्रवाल का रंग सफेद हो जाता है, तो यही इसका सही आंसर है, ठीक है, होना चाहिए।
ठीक है। और यहां पे सी भी देखिए, सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि से होता है और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे देखिए, सागरी जल का तापमान वृद्धि होगा, तो तापमान वृद्धि कब होता है? जब सूर्य प्रकाश तेज पड़ती है, या फिर देखा जाए तो तापमान वहां पे तेज हो जाएगा। तब कब तापमान तेज होगा? जब सनलाइट का ज्यादा वहां पे उसकी तीव्रता होगी। तो इससे हम ये मान सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, उसके कारण भी प्रकाश अवशोषण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे देखते हैं सनलाइट का प्रेजेंस ज्यादा हो जाता है, तीव्रता बढ़ जाती है। अब होता क्या है, प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग में होता यह है, प्रवाल का रंग सफेद हो जाता है और सामान्यतः सागरी जल के तापमान में वृद्धि के कारण होता है। तो ये दोनों सही उसका उत्तर है। तो कौन सा गलत कथन है? तो गलत कथन तो ये है। तो इसका सही आंसर क्या है? ये होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दो सही कथन है। तो यहाँ पे प्रवाल का रंग जो है रंगीन हो जाता है, ये गलत कथन है, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। थोड़ा सा इसमें एडिशनल नॉलेज ये रखिएगा कि ऐसा क्यों होता है कि ग्लोबल वार्मिंग या सूर्य प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के कारण क्या है, जू जेंथिली ज्यादा मात्रा में भोजन निर्माण करने लगता है। इसका मतलब ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगता है, और ऑक्सीजन ज्यादा होने पर कोरल क्या कर देता है, अपने में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होने के कारण अपने आप को जू जेंथिली से अलग कर लेता है। अब अलग कर देता है तो दोनों अपने आप में क्या है, वो दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होते ही क्या है, उसकी डेथ होने लगती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, एक भोजन के लिए, दूसरा आवास के लिए, समझ रहे हैं? तो इस कारण इनका रंग जो है ऑक्सीजन की एक्सेस मात्रा के कारण क्या है, वो अपने आप को जो है उससे जू जेंथिली से अलग कर लेता है। अलग करने के बाद क्या है, वो एक दूसरे की मृत्यु होने लगती है, और इस प्रकार देखते हैं वो जो है सफेद हो जाता है। ये इसका सही रीजन है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है? ईओडम, होप स्पॉट संकल्पना नॉर्मन मायर्स, जैव विविधता के जनक एडवर्ड विल्सन, और जैव विविधता शब्द जी रोजेन। क्या इसका आंसर? बहुत सरल है, सुमेलित नहीं है बोला गया है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, आधुनिक पारिस्थिति के पिता जो है वो ओडम तो है ही, मैंने बता दिया था, और होप स्पॉट लिखा है, हॉट स्पॉट नहीं लिखा है। देखिए हॉट स्पॉट का जो है ये जो कंसेप्ट है, ये किन्होंने दिया था, नॉर्मन मायर्स ने दिया था, जहां पे जैव विविधता की डेंसिटी या घनत्व ज्यादा होता है, ठीक है, वो नॉर्मन मायर्स ने दिया था, और दो महत्वपूर्ण वहां पे शर्तें भी बताई थी ये। लेकिन यहाँ पे होप स्पॉट है, होप स्पॉट का मतलब यदि समुद्री क्षेत्र में जहां पे जैव विविधता ज्यादा मिलती है, तो समुद्र का क्षेत्र में यदि जैव विविधता ज्यादा मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, होप स्पॉट कहते हैं। अब होप स्पॉट का कंसेप्ट दिया था डॉक्टर सिल्विया अर्ल ने, एक अमेरिकन ये भी साइंटिस्ट है, सिल्विया अर्ल ने सबसे पहले बताया कि जैसे जैव विविधता का डेंसिटी वाला एरिया घना क्षेत्र स्थल में मिलता है, वैसे समुद्र में भी मिलता है, जैसे कि आप कोरल रीफ वाला एरिया देख रहे हैं। तो इस प्रकार होप स्पॉट जहां पे समुद्र में जैव विविधता घनी होती है उनको कहा जाता है। कम टू द नेक्स्ट, कि जैव विविधता के जनक कौन है? एडवर्ड ओ विल्सन, बिल्कुल सही मैच है। जैव विविधता शब्द ये सीजीपीएसई में पूछा जा चुका है, जी रोजेन को जो है इन्होंने सबसे पहले दिया था, हालांकि दूसरे स्रोतों में अलग अलग दिया गया है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ पीएससी आयोग जो आंसर लेती है वो जी रोजेन को लेती है, तो जी रोजेन ही आपको टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर जो मैच नहीं है वो क्या है, बी आंसर है इसका। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, टाइगर की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? ऑप्शन क्या है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। बहुत सरल प्रश्न है, आपसे बनना चाहिए, करंट का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो टाइगर सेंसस आया था लेटेस्ट में, उसके अनुसार देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि कहाँ हुई है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद देखते हैं दूसरा है महाराष्ट्र में, और तीसरा देखते हैं कर्नाटक में, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 71%। उसके बाद देखते हैं 64% की वृद्धि हुई है, और उसके बाद देखते हैं 29% की वृद्धि हुई है। ये प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है, तो सर्वाधिक वृद्धि क्या है, मध्य प्रदेश में है। संख्या के हिसाब से थोड़ा देख लो यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे 526 जो है इसकी गणना की गई थी, ये है मध्य प्रदेश का। उसके बाद दो है, दो घटा दो 524, ये क्या है, महाराष्ट्र में ये टाइगर की संख्या है। ये दो ही रखें आप, काफी है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि पूछा है, इसलिए अकॉर्डिंगली ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो मध्य प्रदेश को आप टिक करेंगे।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पे सुमेलित है, पूछा गया है सही मैच्ड है कि देखा गया है, तो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम, और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। तो सबसे देखिए इसमें दो प्रकार की चीजें है, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी रिजर्व है जो वर्ष 1986 में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है घोषित किया गया था, और इसका लोकेशन कहाँ पे है कोई बता सकते हैं? इसका लोकेशन है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, ये तीनों राज्यों में है। तो ये तीनों राज्यों में इसका लोकेशन है। अब यहाँ पे देखिए पहला सी तो इसमें सही मैच्ड है, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये लेटेस्ट डेटा है, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये क्या है वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल होने वाला, यानी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व MAB कहते हैं, इसमें जो है लेटेस्ट एडिशन क्या है पन्ना टाइगर रिजर्व, जो इसमें कौन सा नंबर होगा 12वां नंबर होगा, 12th नंबर होगा, ठीक है इसे नोट कर लीजिए। तो ये भी सही मैच है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम, और ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है आंध्र प्रदेश पे है, आंध्र प्रदेश पे इसकी लोकेशन है। तो यहाँ पे ABC तीनों मैच्ड है, तो ऑप्शन क्या होगा सही आंसर क्या है D इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दो समीपस्थ वनस्पति के मध्य उपस्थित संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तो दो समीपस्थ वनस्पति देखिए, एक क्षेत्र ये हो गया, मान लो एक प्रकार की वनस्पति ये मिल रही है, दूसरे क्षेत्र में देखते हैं दूसरे प्रकार की वनस्पति B मिल रही है, तो उसके मध्य जो उपस्थित संक्रमण क्षेत्र, तो इनके मध्य वाला क्षेत्र ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते क्या है, यहाँ पे देखते हैं क्या है संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है, इकेट, इकोटोन, इकोटाइप और इक्विनॉक्स। तो यहाँ पे इसका आंसर इकोटोन है, या इसे संक्रमिका भी कहते हैं, है ना, संक्रमिका भी कहते हैं, और इकोटोन सामान्यतः एग्जाम में पूछे जाने वाला शब्द है। तो यहाँ पे देखिए एक क्षेत्र ए, मतलब एक क्षेत्र में ए प्रकार की वनस्पति मिल रही है, दूसरे क्षेत्र में बी प्रकार की वनस्पति मिल रही है, उनका संक्रमण क्षेत्र मतलब ये है, इधर ये मिल रहा है और इधर ये मिल रहा है, मतलब दोनों का मिक्स वाला एरिया, तो ये इसका संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। तो जैसे इकोटोन ये कहलाता है, याद रखिएगा संक्रमिका। तो इस क्षेत्र में मान लो क्या है 10 प्रकार की प्रजातियां मिल रही है, इस क्षेत्र में 15 प्रकार की प्रजातियां मिल रही है, तो इकोटोन क्षेत्र में हो सकता है दोनों से ज्यादा, यानी कि हो सकता है 20 प्रकार 25 प्रकार 50 प्रकार की वनस्पतियां या प्रजातियां या दूसरे एनिमल स्पीसीज मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों का मिश्रण है, और ये जरूरी नहीं कि ये 10 और ये 15 ही मिलके होंगे, कोई तीसरे प्रकार की वनस्पति हो सकता है वो सी प्रकार का हो, ये भी यहाँ पे मिल सकता है। तो इसका आंसर क्या है आपका इकोटोन कहलाता है। इसके बाद देखिए घास स्थलीय पारसिक तंत्र में जीव संख्या पिरामिड कैसे होते हैं, सदैव उल्टे, सदैव सीधे, सदैव पहले सीधे फिर सीधे, या धुरी रूपी। तो यहाँ पे देखो ये भी एग्जाम में आ चुका है, इसका आंसर सदैव सीधा मिलता है। ऐसा क्यों? जो संख्या का पिरामिड होता है और खासकर घास स्थल में, तो मैंने पिरामिड वाले टॉपिक में बताया था कि संख्या का है यहाँ पे घटते जाना। तो यहाँ पे जैसे कि घास में क्या है, घास को खाने वाला कौन होगा, मान लो टिड्डा होगा, घास को खाने वाला कौन है टिड्डा होगा, टिड्डा को खाने वाला हो सकता है क्या है सांप होगा, और सांप को खाने वाला हो सकता है बाज हो, ये ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है संख्या क्या है, बहुत सारे घास हैं, तो यहाँ पे क्या है संख्या घटते क्रम में होगा, घास को खाने वाले टिड्डों की संख्या हो सकता है 5 या 10 या 25 हो, और 5, 10, 25 टिड्डा को खाने वाला 2 या 3 सांप हो, और 2-3 सांप को खाने वाला कोई एक बाज हो, तो संख्या घटते हुए चलती है इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में, इसलिए इधर वाला पार्ट आधार वाला पार्ट चौड़ा है और इधर वाला पार्ट सिकुड़ा हुआ है, यानी श्रिंक है। तो इस प्रकार क्या देख रहे हैं, ऐसा पिरामिड जो है हमेशा सीधा मिलता है, ठीक है, तो सदैव सीधे इसका सही उत्तर होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, पिरामिड में इस बात को ध्यान रखिएगा, और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, भारत में स्थित कौन से मैंग्रोव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थित है, तो क्या है भीतरकनिका, सुंदरवन, पीचावरम और कृष्णा मैंग्रोव। देखो यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो घोषित करता है, ये सांस्कृतिक प्राकृतिक एवं क्या है मिश्रित कैटेगरी, तीन ऐसी श्रेणियों में क्या करता है
ऐसे स्थलों को चिन्हित करता है और उसे एक धरोहर का स्थल देता है और उसका संरक्षण करता है। तो इसकी जो संख्या है आज के डेट में कितनी है, 38 है। ओवरऑल देखा जाए तो ये तीनों का जो देखा जाए तो 38 ऐसे स्थान है भारत में। अब यहाँ पे सांस्कृतिक या मिश्रित वाले को हम नहीं बात कर रहे, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं क्या है, मैंग्रोव आ रहा है, मतलब प्राकृतिक वाला पार्ट आ रहा है। तो प्राकृतिक वाले पार्ट में क्या देखते हैं कि जो सुंदर वन मैंग्रोव है यहाँ पे सुंदरी वृक्ष के कारण वो स्थान जो है बहुत फेमस है और ये देखते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है सुंदरबन। तो इसलिए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। तो इसका आंसर क्या है, बी है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक में और भी है, वेस्टर्न घाट है, हिमालयन नेशनल पार्क है ना, केवला देव है, भरतपुर है, तो ये सब भी प्राकृतिक में लिस्टेड है। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, सुंदरबन मैंग्रोव इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल को पूछ रहा है, पोषण स्तर किसे प्राप्त है, शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को या अपघटक को, क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। तो देखिए इसके लिए बहुत सरल प्रकार का, इसमें हम ऑप्शन एलिमिनेशन की ओर चलते हैं, हम विकल्पों को डिलीट करते हुए चलते हैं। अपघटक को कभी भी खाद्य श्रृंखला में स्थान नहीं दिया जाता, उसे पिरामिड में भी स्थान नहीं देते, ठीक है, और खाद्य श्रृंखला में भी स्थान नहीं देते, तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही गलत हो गया। इसके बाद देखिए शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी, तो याद करिए खाद्य श्रृंखला में सबसे प्राथमिक स्टार्टिंग में क्या होता है, उत्पादक, और सभी हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, और हरे पौधों को खाने वाला कौन होगा भाई, शाकाहारी होगा, शाकाहारी होगा, और शाकाहारी को खाने वाला क्या होगा, मांसाहारी होगा, और मांसाहारी या शाकाहारी दोनों को खाने वाला क्या होगा, ये क्या होगा, सर्वाहारी या ओमनीवोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस श्रृंखला के हिसाब से चलते हैं, तो सभी हरे पौधे को खाने वाला शाकाहारी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे T1 कहते हैं, इसे T2 कहते हैं, और इसे क्या है, T3 कहेंगे, और इसे T4 कहेंगे। तो जो लास्ट में मिलता है उसे क्या है, हम क्या कह रहे हैं, इसे उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और तृतीयक या लास्ट में जो उपभोक्ता मिलता है उसे हम शीर्षस्थ उपभोक्ता भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, इसके हिसाब से उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है, सर्वाहारी को प्राप्त है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे भी रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे सेम वाला जो है घास ले लो, घास ले लो, घास को खाने वाला मान लो टिड्डा है, टिड्डा ले लो, टिड्डा को खाने वाला आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम देखते क्या है, इसे आप फ्रॉग भी खाता है, स्नेक भी खाता है, और उसके बाद क्या देखते हैं क्या है यहाँ पे, मान लो इसे सांप लिख देते हैं, है ना, सांप को खाने वाला हो सकता है बाज हो, मोर भी तो हो सकता है, ठीक है, मोर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या देखते हैं, इसका सही आंसर क्या है, सी सर्वाहारी होगा। इज इट करेक्ट, आपको ये पॉइंट समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, और यहाँ पे उत्पादक बहुत विशेष स्थान रखता है, अभी आने वाले प्रश्नों में देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड, पहला क्या ऑप्शन, ऊर्जा का प्रवेश द्वार, अपघटक, 10% का नियम, लेंडमान, विशाल पारिस्थितिक तंत्र, महासागर, और पर्यावरण का शत्रु यूकेलिप्टस। बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए ऊर्जा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, इसे कहते हैं उत्पादक को, अपघटक को नहीं कहते, तो ये क्या है, सुमेलित नहीं है, पहला ही क्लियर हो गया, तो आंसर क्या है, ए। लेकिन बाकी चीजों को भी समझिए, देखिए उत्पादक क्या होते हैं, हरे पौधों को हम उत्पादक कहते हैं, और हरे पौधे क्या है, अपना भोजन कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए प्रकाश, लाइट चाहिए, और क्या चाहिए, जल चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए यहाँ पे, हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये तीन चीजें चाहिए आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए, किसके लिए, हरे पौधे के लिए। तो ये तीनों क्या है, इसमें जीवन होता है क्या, नहीं होता, यानी कि ये अजैविक घटक है, है? तो अजैविक घटक की मदद से क्या करता है, हरा पौधा सूर्य प्रकाश को क्या करता है, उसकी मदद से क्या है, फोटोसिंथेसिस करता है, और जो प्रकाश ऊर्जा को क्या है, वह यहाँ पे किस ऊर्जा में बदल देता है, यहाँ पे वो जैविक ऊर्जा में बदल देता है, या जैव रासायनिक ऊर्जा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उस ऊर्जा में बदल दिया, तो यहाँ पे क्या है,
सूर्य प्रकाश क्या है, ऊर्जा का यहां कहां से प्रवेश कर रहा है, उत्पादक से प्रवेश कर रहा है। अब पौधा बड़ा हुआ, उस पौधे को खाने वाला कौन है, शाकाहारी है, उसको खाने वाला कौन है, मांसाहारी है, मांसाहारी खाने वाला और पौधों खाने वाला सर्वाहारी है। तो अकॉर्डिंगली आप क्या देख रहे हैं, ऊर्जा का प्रवेश द्वार क्या है, वो क्या है, उत्पादक को कहते हैं। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट समझ जाइए। 10% का नियम, 10% का ये नियम कहलाता है कि मान लो एक पोषण स्तर है ना, यहाँ पे पोषण स्तर मान लो देखते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पे प्रत्येक पोषण स्तर में क्या है, यहाँ पे जैसे कि आधार में हम क्या रख रहे हैं, उत्पादक को रख रहे हैं, तो 100% ऊर्जा प्रवेश करती है, तो ये 100 का जो है केवल 10% ही अगले स्तर पर जाता है। तो 100 का 10% कितना है, 10 हो गया। इसका 10% कितना है, 0.10, इसका 10% कितना है, 1 हो गया, और 1 का 10% क्या है, 0.1 हो गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रत्येक पोषण स्तर में केवल और केवल 10% ऊर्जा ही अगली स्तर पे जा पाती है, इसे लेंडमान का 10% का नियम कहते हैं। ये पारिस्थितिक का बेहद महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है। तो ये क्या सही मैच्ड है, विशाल पारिस्थितिक तंत्र महासागर, ये भी 1 सेकंड लगना चाहिए इसका आंसर करने में, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर थल है। तो इसका मतलब क्या है, ज्यादातर भागों में जल मिल रहा है, मतलब जली पारिस्थितिक तंत्र ज्यादा होगा। तो यहाँ पे विशाल पारिस्थितिक तंत्र कहाँ होगा, महासागर में होना चाहिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। पर्यावरण का शत्रु यूकेलिप्टस, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यूकेलिप्टस के बारे में जानिए, इसे पर्यावरण का शत्रु क्यों कहते हैं। जिस भी क्षेत्र में क्या है यूकेलिप्टस मिलता है, यूकेलिप्टस को अगर सरल शब्दों में हिंदी नाम कहूं तो नीलगिरी, ठीक है। जिस भी क्षेत्र में क्या है यूकेलिप्टस मिलता है, तो इसकी जड़ें बहुत जमीन के नीचे तक जाती हैं। दूसरा, कम से कम 1 स्क्वायर मीटर तक ये क्या है दूसरे ऐसी प्रजातियों को वो ग्रो ही करने नहीं देती। क्यों ग्रो नहीं कर पाते, भाई पौधों को ग्रो करने के लिए दो चीज चाहिए, एक पानी दूसरा पोषक तत्व, लेकिन वो दोनों का ही इस प्रकार वो अवशोषण कर लेता है कि बाकी प्रजातियां वहां ग्रो ही नहीं कर पाती। तो जिस भी क्षेत्र में यूकेलिप्टस मिलता है मतलब उसी की मोनोपोली चलती है, बाकी को ग्रो ही नहीं करने देता, इसलिए वहां पे विविधता जो है डाइवर्सिटी वो कम मिलती है, इसलिए इसे पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है, द एनिमी ऑफ एनवायरमेंट। इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग स्टोरी भी हैं, जैसे लातूर वाला क्षेत्र, वह लातूर वाले क्षेत्र में आपको पता है पानी की कमी होती है, तो ऐसा क्षेत्र जहां पे यूकेलिप्टस ज्यादा मिल रहा है उस क्षेत्र में पानी की कमी होना निश्चित है आने वाले समय में, क्योंकि ये पानी की जबरदस्त खपत करता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे तो फिर इसे कहाँ ग्रो कराया जाए, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पानी ज्यादा है, दलदली क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में यदि नीलगिरी को आप ग्रो कराएं तो उस क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल वहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र वो निर्मित हो जाता है, और वहाँ पे ज्यादा पानी भी उसके लिए क्या है हार्मफुल भी नहीं होता, और पानी का स्तर भी वहाँ पे मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा, पर्यावरण का शत्रु यूकेलिप्टस जहां पे होने पर ज्यादा पोषक तत्व और ज्यादा भारी मात्रा में गहरे लेवल तक नीचे स्तर तक पानी का अवशोषण कर लेता है, इसलिए वो दुश्मन है। उसके बाद देखिए, अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में रामसर नम भूमियों की कुल संख्या है, ऑप्शंस हैं 27, 37, 39 और डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये है 42। तो यहां पे देखिए अद्यतन आंकड़ों के हिसाब से पूछा है, लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से, तो अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाएंगे तो इसकी संख्या आप क्या है 42 हो चुकी है। वर्ष 2019 के प्रारंभ में या उससे पहले इसकी संख्या कितनी थी, 26 थी, उसके बाद एक जो है सुंदरवन जुड़ गया तो 27 हो गया, इसके बाद देखते हैं इसमें बाकी एडिशन होता गया और उसके बाद देखते 10 और एडिशन हुआ, 37 हुआ, फिर एडिशन होने के बाद क्या है अब वर्तमान में इसकी संख्या, जब हम दिसंबर 2020 के अंत में है तब तक इसकी संख्या क्या है 42 हो चुकी है, 42 हो चुकी है। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, तो इसकी लेटेस्ट जो संख्या, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, रामसर नम भूमि क्या है। रामसर, रामसर ईरान का एक शहर है, ईरान का एक शहर है जहां पे क्या देखते हैं रामसर नाम का एक शहर में नम भूमि, जो पर्यावरण एवं जैव विविधता के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इनके संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ और उसे ही हम क्या कहते हैं रामसर सम्मेलन कहते हैं। वर्ष 1971 में हुआ था,
लेकिन इसे क्या है, ये प्रभाव में कब आया, 1975 में प्रभाव में आया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, भारत में गिद्धों की घटती जनसंख्या का प्रमुख कारण क्या है, विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों में दर्द निवारक दवा देना, या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसमें याद रखिएगा जब भी क्या होता है कोई भी ऐसा पशु, जैसे कि आप देखते हैं जानवर को, जैसे मृत पदार्थों को खाने वाले को हम क्या कहते हैं, अपमार्जक, अपमार्जक या स्कैवेंजर्स कहते हैं। और इसे इसका उदाहरण क्या है, गिद्ध है जो मरी हुई चीजों को खाता है। ठीक, अब यहाँ पे गिद्ध की घटती जनसंख्या को क्या का प्रमुख कारण बोल रहे हैं, विषाणु संक्रमण। भाई वो तो मरी हुई चीजों को खा रहा है तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, जीवाणु संक्रमण भी नहीं होना चाहिए। और जानवरों को दर्द निवारक दवा देना, एग्जैक्टली यही आंसर है। याद रखिएगा एक मेडिसिन है डिप्लोफिनेक सोडियम, हो सकता है ये नाम आपको ना पूछे लेकिन याद रखिएगा इस दवाई को, डिप्लोफिनेक सोडियम, जो पशुओं को या जानवरों को जब भी प्रॉब्लम होती है तो दर्द निवारक दवा के रूप में इसे दी जाती है। अब ये जो जानवर किसी कारण से यदि उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद वो किसी एरिया में उसे डंप कर देते हैं, तो डंप करने के बाद उस मृत पदार्थ को, जो है मृत मांस को, जो खाने वाला गिद्ध है क्या है, उसके शरीर में ये डिप्लोफिनेक सोडियम चले जाता है जो क्या है, टॉक्सिक होता है गिद्ध के लिए। इसके कारण गिद्ध की संख्या जो है वो घटती जा रही, क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है। तो इसका आंसर क्या है, सी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्यतन आंकड़ों के अनुसार सुमेलित नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी, इसमें करंट का एंगल भी है। राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या अभी तक आप देख रहे हैं यहां पे क्या है, 105 लिखा है। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या 553, जैव विविधता तृप्त स्थानों की यानी कि हॉट स्पॉट की संख्या 4, और रामसर वेटलैंड की संख्या, आर्द्र भूमि की संख्या 37। तो पिछले प्रश्नों के आधार पर इसे बना सकते हैं, इसकी संख्या कितनी हो गई है, 42 हो गई है। तो इसका मतलब बाकी तीन सही मैच्ड हैं, बिल्कुल सही मैच्ड हैं। ऑप्शन क्या है, सुमेलित नहीं है पूछा है, तो डी इसका सही आंसर है। देखिए इसमें करंट का एंगल क्या है, राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या 104 थी, और 104 नंबर वाला जो नेशनल पार्क का नाम क्या था, मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क था, ठीक है, जो 2018 में इसे ऐड किया गया। अब वर्ष 2020 में दिसंबर महीने में ही, मतलब एकदम लेटेस्ट डेटा है, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या इसमें 104 प्लस 1 यानी कि 105 हो गया है, और 105 वाला जो पांचवा नंबर का जो नेशनल पार्क है वो आसाम का है, वो क्या नाम है, देहिंग पटकाई, क्या नाम है लिखिएगा, देहिंग पटकाई, ये क्या है, 105 नंबर वाला नेशनल पार्क है। तो यहां पे इसे रिलेट कर लें, एकदम लेटेस्ट डेटा है और हमेशा करंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या 105 हो गई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या 553 बिल्कुल करेक्ट है, और जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या 4 है, और आप सभी को पता होगा ये 4 हॉटस्पॉट क्या है, पहला है हिमालय, ठीक है, दूसरा है वेस्टर्न घाट, तीसरा है आपका सुंडालैंड, और चौथा है इंडो बर्मा क्षेत्र। सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 4 जो हॉटस्पॉट में क्या कहा, हिमालय, दूसरा वेस्टर्न घाट, तीसरा आप देखते हैं इंडो बर्मा, और चौथा आप देखते हैं सुंडालैंड। ये 4 हॉट स्पॉट हैं, तप्त स्थल हैं बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे हम क्या देख रहे हैं कि उनमें बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और आउट ऑफ 4 इन 4 में हॉटेस्ट हॉट स्पॉट जो है, जो वर्ल्ड में 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट हैं, उसमें से 4 में 3 शामिल है। तो कौन कौन से 3, मतलब एक को रिमूव कर दो, हिमालय को रिमूव कर दो, तो वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, और आप देखते हैं सुंडालैंड, ये वर्ल्ड के 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में शुमार है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, और आर्द्र भूमि के बारे में बताने की और जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अभी आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता का दशक घोषित किया गया है, ये भी प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। 1991 से 2000, 2001 से 2010, 2011 से 2020 और 2021 से 2030, क्या है इसका सही आंसर, 2011 से 2020 ही क्या है, बायोडायवर्सिटी का दशक है। क्वेश्चन नंबर 18, सन 1936 में स्थापित भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और जिम कार्बेट।
तो जिम कॉर्बेट क्या है, वर्ष 1936 में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है, हेले नेशनल पार्क भी इसे कहते हैं, और इसे ये कहां पे इसका लोकेशन उत्तराखंड पे है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका सही उत्तर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, जैव विविधता मापन में स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में के मध्य जो है प्रजाति विविधता को दर्शाता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक या इनमें से कोई नहीं। सूचकांक को हम विविधता भी यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैं ट्रिक बता रहा हूं, बहुत सरल है कि जब भी क्या है एक समुदाय के अंदर, एक समुदाय में यदि आपको उसमें विविधता का मापन किया जाए जो उसकी संख्या को प्रदर्शित करेगा, यानी उस समुदाय में कितने प्रकार की प्रजातियां हैं उनकी संख्या को प्रदर्शित करने वाला क्या होता है, अल्फा सूचकांक होता है। लेकिन जब क्या है दो या फिर विभिन्न समुदायों के मध्य जब है हम क्या करते हैं इसको मापन करते हैं तो वो क्या है, बीटा सूचकांक कहलाता है। और गामा सूचकांक क्या होता है, वास्तव में अल्फा और बीटा का जो है गुणनफल होता है, और इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, इसे हम इसे दूसरे प्रकार में जो लिख सकते हैं सूत्र के तौर पे, गामा इक्वल टू S1 + S2 - C। तो ये क्या है, एक प्रकार के पार्श्विक तंत्र में प्रजातियों की संख्या, ये दूसरे प्रकार के पार्श्विक तंत्र में प्रजातियों की संख्या, और उसको माइनस सी मतलब जो उभयनिष्ठ प्रकार की प्रजाति है उससे हम माइनस कर देते हैं, तो अब क्या मिलता है, गामा विविधता मिलती है। तो ट्रिक कैसे याद रखेंगे, एक समुदाय हो प्रजातियों की संख्या है तो अल्फा, दो या विभिन्न समुदायों के बीच है तो वो क्या है, बीटा, लेकिन जब गामा होता है वो अल्फा बीटा का गुणनफल होता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में हम क्या देखते हैं, यदि हम जैव विविधता का मापन करते हैं जहां समुदायों की संख्या बहुत बड़े लेवल पर हो जाती क्योंकि बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को लेते हैं, उस केस में हम क्या है, गामा को लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसमें कोई के प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है, क्या कौन सा दर्शाता है, सही उत्तर क्या है, ए होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैव विविधता सुपर ईयर के रूप में यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष को घोषित किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि वर्ष 2020 एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है एनवायरमेंट की दृष्टि से, अदरवाइज बाकी सभी के लिए ये बहुत ही विनाशकारी वर्ष था। तो यहाँ पे इसे वर्ष 2020 को बायोडायवर्सिटी सुपर ईयर के तौर पे घोषित किया गया है। इस प्रकार इसका आंसर क्या है, वर्ष 2020 बी इज द राइट ऑप्शन। आई होप ये सभी पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। इनसे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप शेयर करिए, डेफिनेटली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो FTR के फर्स्ट सेशन में आपने ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपने समझा, और सेकेंड वाले सेशन में हम देखेंगे महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन और उनसे संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को जो आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।